एवरी वन ये हमारा लेक्चर नंबर फोर है और अगर आप डायरेक्टली लेक्चर नंबर फोर पे आए हो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वन कॉमा टू कॉमा थ्री लेक्चर देखो प्लेलिस्ट में जाके हम प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिक्स पूरा सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं तो हम वापस से एक बार रिकैप कर लेते हैं परम्यूटेशन कितने हो सकते हैं जब भी एन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट मतलब आपको एन ऑब्जेक्ट्स में से आपको n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं सर r ऑब्जेक्ट्स अरेंज तो वहां पे दो कंडीशंस थे जब भी रिपीटिशंस अलाउ नहीं होगा r ऑब्जेक्ट्स में तभी अगर आप n ऑब्जेक्ट्स में r ऑब्जेक्ट्स अरेंज करना चाहते हो तो वो कितने पॉसिबल वेज में हो सकता है सर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n r फैक्टोरियल और जब भी आप रिपीटिशंस अलाउ करते हो ठीक है तब n रेस टू r वेज है आपके पास तो ये हमने लेक्चर में सीखा हुआ है बस मैंने आपको रिकैप करा के दिया अब परम्यूटेशन वेन एन ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंग मतलब आपके जो एन ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं सर तब आपने क्या देखा था कितने पॉसिबल वेस हो सकते हैं एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पी वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पीटू फैक्टोरियल पी वन फैक्टोरियल क्या होगा कोई तो एक ऑब्जेक्ट पी वन टाइम रिपीट हुआ है और कोई तो दूसरा ऑब्जेक्ट P2 टाइम रिपीट हुआ है ठीक है ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो गए आप यहां पे लिखते जा सकते हो डिनोमिनेटर में ओके okay. तो उसके बाद हमने सर्कुलर परमिटेशन देखा था सर्कुलर परमिटेशन वेन एन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंग। तो उसमें हमने क्या देखा जब क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज मैं सेम है नहीं मानूंगा मतलब नॉट इक्वल जब आपके पास कितने पॉसिबल वेज होते हैं सर एन ऑब्जेक्ट सर्कुलर अरेंजमेंट में करने का एन ऑब्जेक्ट है आपके पास ठीक है अभी भी आपके पास अभी भी आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स है और आप एन ऑब्जेक्ट्स ही अरेंज भी करना चाहते हो सर्कुलर फैशन में तो आपके पास एन माइनस वन फैक्टोरियल वेज होते हैं और जब भी आपका क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आप सेम समझते हो अरेंजमेंट तो आपके पास एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू वेज होते हैं ये सब हमने अपने पुराने लेक्चर्स में देखा है लेक्चर वन लेक्चर टू लेक्चर थ्री में अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा डिस्कशन व्हाट इज कॉम्बिनेशन ये हमारे लिए अभी एक नया टॉपिक है इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट टू स्टूडेंट्स फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ थ्री स्टूडेंट्स मतलब इन फैक्ट अगर आप ध्यान दोगे आपके पास थ्री स्टूडेंट्स हैं सर थ्री स्टूडेंट्स तो यहाँ पे मुझे लिखने की जरूरत है क्या ए बी सी अलग अलग है क्योंकि अगर थ्री स्टूडेंट्स जैसे आपकी क्लास में तीन लोग हैं वो तीनों सेम नहीं होगे गए राइट अलग अलग ही होगे। गए तो यहाँ पे डिस्टिंगट ही है ए बी सी इसमें से मुझे दो स्टूडेंट्स का ग्रुप फॉर्म करना है सर दो स्टूडेंट्स का ग्रुप फॉर्म करना है वो तो कितने पॉसिबल वेज में आप कर सकते हो तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ चुका है कि ये एक सेलेक्शन वाला गेम है मतलब आपको सेलेक्ट करना है सर या फिर आपको सिर्फ चूज करना है यहाँ पे अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे कि आप थोड़ी देर में समझोगे ए बी सी थ्री डिस्टिंग पीपल है ओके okay. तो अगर आप ए बी लिखते हो या फिर बी ए लिखते हो कुछ डिफरेंस है क्या आपने दो लोगों को चूज कर लिया है आपको अरेंजमेंट करने के बारे में बताया नहीं गया था आपको सिर्फ ग्रुप फॉर्म करना था सर तो ये ग्रुप एंड ये ग्रुप सेम ही है right? राइट तो यहाँ पे अरेंजमेंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता कहाँ पे सर कॉम्बिनेशन में क्योंकि आपको सिर्फ सेलेक्ट करना होता है आपको ऑर्डर नहीं करना है यहाँ पे वैसे अगर आप ए सी चूज करते हो या फिर सी ए लिखते हो दोनों का मीनिंग सेम है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप सेलेक्ट कर रहे हो दो लोगों का ग्रुप फॉर्म कर रहे हो वैसे आप बी सी लिखते हो या फिर सी बी लिखते हो एक ग्रुप में दो लोग सेम ही है राइट बी सी इस ग्रुप में भी सी एन बी ही प्रेजेंट है इस ग्रुप में भी बी एन सी ही प्रेजेंट है तो ये ग्रुप सेम है फैक्ट मैं बोल सकता हूं मेरे पास थ्री पॉसिबल वेज है सर ग्रुप फॉर्म करने के अगर आपके पास तीन स्टूडेंट्स है आपके क्लास में तो ये हमने कैसे किया ये हमें समझना होगा ठीक है इसे हम थोड़ा समझते हैं जैसे कि ए बी सी में से पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको बताने हैं टेकिंग टू एट अ टाइम हम ये कैसे कर सकते हैं तो मैंने आपको बताया कि आप ए बी ले सकते हो ए सी ले सकते हो या फिर बी सी लिख सकते हो इनफैक्ट बी ए बी ए वाला भी सेम ही होगा सी ए भी मतलब ए सी ही है सी बी भी मतलब सेम ही है मतलब आप मतलब आप ये लिखते या फिर ये लिखते बात सेम ही होती वैसे आप ये लिखते या फिर ये लिखते बात सेम ही होती वैसे आप ये लिखते या फिर ये लिखते बात सेम ही होती क्योंकि फाइनली हमें सिर्फ चूज करना है सर लोगों को अरेंज नहीं करना है कुछ ऑर्डर नहीं करना है तो ये कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है पर पर अगर ठीक है भाई मैं बट वाला केस ला रहा हूं पर अगर मुझे परम्यूटेशन करना होता तो तो मैं इसे कैसे देखता तो मैं ए बी को तो मैं ए बी को ए बी लिख सकता था बी ए लिख सकता था ये दोनों अरेंजमेंट अलग अलग होते हैं तब सर परम्यूटेशंस वाले केस में म्यूटेशन वाले केस में ए बी बी ए अलग अलग केसेस है ए सी सी ए अलग अलग केसेस केसेस है आप ए बी लिख सकते हो या फिर बी ए लिख सकते हो ड मैटर क्योंकि आप दो लोगों को चूज कर रहे हो, ओके? Okay, तो मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन आप समझ पा रहे हो तो आप यहां पे क्या देख सकते हो सर मैं इसे जनरलाइज्ड करने की कोशिश कर रहा हूं कॉम्बिनेशन आप कितने बना सकते हो ना वो आर इन आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू परम्यूटेशन उतने परम्यूटेशन आप कर सकते हो जैसे हम यहाँ पे इसे देखते हैं ये रूल सेटिस्फाई हो रहा है क्या मतलब जो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको बताया है ये हम एक्चुअल में ट्रू हो रहा है कि नहीं चेक कर रहे हैं जैसे कि आपने क्या किया था सर टेकिंग टू एट अ टाइम इसका मीनिंग क्या है कि आपका आर का वैल्यू यहाँ पे टू था ठीक है कितने कॉम्बिनेशन आप क्रिएट कर पाए सर तीन लोगों को यूज करके अगर आपका आर का वैल्यू टू है तब तब आप थ्री पॉसिबल कॉम्बिनेशन कर पाए और कितने परम्यूटेशन आप कर पाए सर आप सिक्स परम्यूटेशन कर पाए तो देखते हैं थ्री इन टू टू ठीक है आपको क्या करना है कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाइड बाई आर फैक्टोरियल तो कॉम्बिनेशन कितने थे थ्री थे आर का वैल्यू क्या है टू है तो इनफैक्ट अगर आप देखोगे आपको सिक्स आंसर आता है जो आपके नंबर ऑफ परम्यूटेशन थे तो ये जो मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया है कॉम्बिनेशन इंटू आर फैक्टोरियल इज टू परम्यूटेशन अभी अभी हमने आपके सामने प्रूव किया है तो ये फॉर्मूला आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो ठीक है तो अगर परम्यूटेशन का ठीक है एक बार वापस देख लेते हैं सब कुछ ये परम्यूटेशन थे सर पॉसिबल ये पॉसिबल परम्यूटेशन है ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस uh, है और अगर आप यहाँ पे कंडीशन देखो एन ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट है सर तो अगर आप एन ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट है उसमें से अगर आप पी ऑब्जेक्ट्स सॉरी आर ऑब्जेक्ट्स अरेंज करना चाहते हो तो फॉर्मूला क्या देखा था आपने एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल तो मैं कॉम्बिनेशन के लिए क्या लिख सकता हूं सर अगर एन ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट है और, आ, और आप चूज कर रहे हो या फिर कॉम्बिनेशन देख रहे हो कितने क्रिएट कर सकते हो ऑफ आर ऑब्जेक्ट तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल ठीक है तो ये ये वाला जो आर फैक्टोरियल यहाँ पे एक्स्ट्रा आया है मैंने आर फैक्टोरियल यहाँ पे परम्यूटेशन को डिवाइड किया इसलिए ठीक है मतलब इस वाले टर्म को मैंने डिवाइड किया क्योंकि ये टर्म क्या है सर ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला है ये टर्म, permutations का फॉर्मूला है तो मैंने कॉम्बिनेशन के लिए एक नया फॉर्मूला डिराइव कर लिया ये वाला एक्सप्रेशन यूज करके तो मेरे हिसाब से आपको चीजें क्लियर है बस यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो एन ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होने चाहिए ओके तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था जैसे आप देख सकते हो इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल ओके, तो इसे और एक लिखने का तरीका है, आ, जैसे एन ऑब्जेक्ट्स में से एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से अगर आपको आर ऑब्जेक्ट्स कंबाइन कॉम्बिनेशन वेस ढूंढने या फिर चूज करने एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से आर आपको चूज करने हैं सर तो ये आप और एक तरीके से लिख सकते हो ऐसा कुछ तो ठीक है ये बाइनो बाइनोमियल को, है बाइनोमियल तरह से इसे भी खुलते हैं ठीक है आपको कभी कभी ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड लिख के बता सकते हैं एग्जाम में इसलिए मैं आपको सारे पॉसिबल नेम्स भी बता रहा हूं ठीक है तो ये फॉर्मूला अभी अभी आपने लास्ट लेक्चर में ही सीखा है ओके तो मैं अभी और एक चीज आपको बताता हूं हमने क्या सीखा सर अभी आपके पास एन डिस्टिंग ऑब्जेक्ट हो गए फॉर एग्जाम्पल आपके पास एन डिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स है उसमें से आर ऑब्जेक्ट्स आप कैसे चूज कर सकते हो वो आपने सीखा पर अगर मैं एन माइनस आर ऑब्जेक्ट्स अगर मैं एन माइनस आर ऑब्जेक्ट्स डिस्कार्ड करना सीख जाऊंगा तो इनडायरेक्टली मैं आर ऑब्जेक्ट चूज कर रहा हूं राइट right. अगर आपके पास इतने एन ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से इतने आर ऑब्जेक्ट्स आपको चूज करने हैं क्या मैं सेम कर सकता हूं अगर मैं इतने डिस्कार्ड कर पाया थो? तो वही मैंने यहां पे लिखा है इस तो इसे आप कैसे देख सकते हो ये एक इक्वेशन है जो आपको एक मार्क के लिए पूछा जा सकता है इसको किस तरह से देखना है ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स आप R objects में से आ, मतलब सॉरी एन ऑब्जेक्ट्स में से आप आर चूज करना चाहते हो इसे रीड कैसे करना है बता रहा हूं एन ऑब्जेक्ट्स में से आप आर ऑब्जेक्ट्स चूज करना चाहते हो इस सेम एज एन ऑब्जेक्ट्स में से आप एन माइनस आर ऑब्जेक्ट्स रिमूव करना चाहते हो ठीक है इसे आप इस तरह से आ, देख सकते हो होके okay. और एक आइडेंटिटी है और ये मेरे हिसाब से आपको पूछी भी जा सकती है इस साल तो मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको इसका प्रूफ तो नहीं आएगा पर इसे मैं प्रूफ इसका मैं प्रूफ दूंगा भी नहीं आपको मैं इसे इंटेटिवली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि हमारे पास फाइव डिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स है सर मैं क्या बोल रहा हूँ आपके पास फाइव डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है मतलब एन का वैल्यू फाइव है और इसमें से आपको फॉर uh, एग्जाम्पल तीन ऑब्जेक्ट्स चूज करने हैं तीन ऑब्जेक्ट्स चूज करने हैं ठीक है तीके? मैं चूज क्यों बोल रहा हूँ अभी अरेंजमेंट वाला वर्ड मैं यूज नहीं कर रहा हूँ और सेलेक्ट यही वर्ड्स से यूज करूंगा ज्यादातर आज के लेक्चर में क्यों क्योंकि हम कॉम्बिनेशन वाला लेक्चर का पढ़ाई कर रहे हैं ये ध्यान में रखना हम कॉम्बिनेशन वाला लेक्चर का तैयारी द्यार, कर रहे हैं तो मेरे पास फाइव डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है उसमें से मुझे तीन ऑब्जेक्ट्स चूज कर हैं तो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं आ, मैं एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूं सबसे पहले क्योंकि मैं इस इक्वेशन को क्रॉफ करना चाहता हूं इंटेटिवली फॉर एग्जाम्पल आप ए ऑब्जेक्ट्स इसमें से उठाते हो मतलब ए ऑब्जेक्ट को आप कंसिडर करते हो तो आपके पास आ, दो दो ऑप्शन हो गए आपके पास दो ऑप्शन हो गए आइदर ए जो आपने उठाया है वो इन तीन ऑब्जेक्ट्स का पार्ट होगा या फिर आपने जो ए उठाया है वो उन तीन ऑब्जेक्ट्स का पार्ट नहीं होगा तो इसे आप कैसे देख सकते हो कि आपके पास तीन बॉक्सेस है आपके पास तीन बॉक्सेस है उसमें एक एक बॉक्स में ए पार्ट है और यहाँ पे भी तीन बॉक्सेस है ये दूसरा केस है राइट जहाँ पे किसी भी बॉक्स में ए पार्ट नहीं है उस बॉक्स का तो अभी अगर ए आपके पहले बॉक्स का पार्ट यहाँ पे है ठीक है ये वाला केस देखो ये वाला केस देखो ये तो वापस से एक्सप्लेन करता हूं पांच डिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से आप चार उसमें से आप तीन ऑब्जेक्ट्स चूज करना चाहते हो ठीक है फॉर एग्जाम्पल हम ए को अभी कंसिडर कर रहे हैं पांचों में से ए को कंसिडर कर रहे हैं कि ए आपके तीनों तीनों में से एक बॉक्स का पार्ट होगा या फिर ए आपका तीनों भी बॉक्स में का कोई पार्ट नहीं होगा तो देखते हैं हमें क्या इक्वेशन मिलता है यहां पे तो यहां पे आपको क्या करना है इन दो बॉक्स में इन दो बॉक्स में आपको ये चार ऑब्जेक्ट्स चूज करने का मौका मिलेगा राइट इनडायरेक्टली क्या होगा कि इन दो बॉक्स में इन चारों में से रखने का मौका मिलेगा मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास चार ऑब्जेक्ट्स बचे हैं फोर बी सी बी, इ, इसलिए मैंने यहाँ पे चार लिखा और दो बॉक्सेस में रखना है आर इज इक्वल टू टू है ए ने जगह ले लिया ना एक तो यहाँ पे आपके पास दो बचे इसलिए मैंने टू लिखा है तो चारों ऑब्जेक्ट्स में से आपको दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे कोई तो चूज कर रहे हैं ये एक तरीका है इस केस के हिसाब से मतलब इस केस के हिसाब से ये इक्वेशन आएगा अभी ए इज पार्ट ऑफ वन बॉक्स अभी दूसरा केस देखते हैं दूसरा ए इज नॉट पार्ट ऑफ एनी ऑफ दिस थ्री बॉक्स तब आप क्या बोल सकते हो ये चारो B, बी सी डी आपको इन तीन बॉक्सेस में चूज करने राइट मतलब इन तीन बॉक्स में ये चारों में से कोई भी आ सकता है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं फोर सी थ्री क्योंकि चार ऑब्जेक्ट्स है बॉक्स आपके पास तीन है राइट तो अगर आप यहाँ पे अभी आ, अगर यहाँ पे आप एन का वैल्यू फाइव लोगे अगर आप यहाँ पे एन का वैल्यू फाइव लोगे आर का वैल्यू थ्री लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे आएगा फोर यहाँ पे आएगा टू यहाँ पे आएगा फोर यहाँ पे आएगा थ्री क्या आप देख सकते हो हमने सेम आ, सेम जो अचीव किया है यहाँ पे वो आप देख सकते हो फोर सी टू फोर सी टू इधर ये वाला केस होता है या फिर ये वाला केस होता है right? राइट मतलब और केस है इधर ये केस या फिर ये केस इसलिए बीच में और के लिए प्लस आ गया अब ये वाला यहां पे देखो फोर सी थ्री फोर सी थ्री तो इस इक्वेशन को मैंने इंटीटिवली आपको प्रूव किया ठीक है अभी मैं इसे इरेज करता हूं पर आपके लिए, आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये इक्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में ठीक है इसका प्रूफ आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि प्रूफ सब्जेक्टिव पेपर नहीं है गेट एग्जाम तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ चुका है ओके अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इन एग्जाम अब क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ ट्वेल्व क्वेश्चन मतलब आपके क्वेश्चन पेपर में ट्वेल्व क्वेश्चन है डिवाइडेड इंटू टू पार्ट मतलब दो पार्ट्स में वो क्वेश्चन डिवाइडेड है मतलब बारह क्वेश्चन आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है तो वो पार्टी पार्टीशन भी बताया गया कि पार्ट वन में सेवन क्वेश्चन है और पार्ट टू में पांच क्वेश्चन है तो इसे सबसे पहले लिख लेते हैं जैसे आपके पार्ट वन में सेवन क्वेश्चन है और पार्ट टू में फाइव क्वेश्चन है तो ये दोनों मिला के कितने हो गए सर बारह क्वेश्चन हो गए आपके ओके स्टूडेंट इज रिक्वायर टू अटेम्प्ट एट क्वेश्चन मतलब आपको एग्जैक्टली exactly कितने क्वेश्चन करने बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको आठ से कम नहीं अटैम्प्ट करने आपको आठ से ज्यादा नहीं अटैम्प्ट करने एग्जैक्टली exactly आठ ही अटैम्प्ट करने हैं ऐसा आपको बताया गया है सेलेक्टिंग एटलीस्ट थ्री क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट मतलब पार्ट वन से भी तीन क्वेश्चंस आने चाहिए मिनिमम और पार्ट टू से भी तीन क्वेश्चंस आने चाहिए मिनिमम ये मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको बताया गया इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट सेलेक्ट तो देखते हैं पहला केस में क्या कर सकता हूं आ, जैसे कि आपके पार्ट वन में सेवन क्वेश्चन है पार्ट टू में फाइव है मैं पार्ट वन में थ्री अटेम्प्ट करने के बारे में सोचता हूं और पार्ट टू में फाइव क्योंकि इन टोटल मुझे आठ क्वेश्चन दे क्योंकि मेरे को आठ क्वेश्चन का कंडीशन सेटिस्फाई करना है दूसरा केस क्या हो सकता है और मैं चार क्वेश्चन करूंगा पार्ट वन का और पार्ट टू का मैं आ, चार क्वेश्चन करूंगा तो ये भी मुझे आठ क्वेश्चन वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई करके देगा तीसरा केस क्या हो सकता है मैं पार्ट वन में से पांच क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं। और पार्ट टू में से तीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं ये भी मुझे आठ क्वेश्चन का कंडीशन सेटिस्फाई करके देगा क्या मैं और फर्दर लिख सकता सॉरी एंड करने लिख सकता किसी भी पार्ट में मिनिमम तीन क्वेश्चन होना कंपल्सरी यहाँ पे लिखा है सेलेक्टिंग एटलीस्ट थ्री क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट तीन से कम नहीं टॅम्प्ट करने किसी भी पार्ट में तीन से ज्यादा करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर तीन से कम नहीं होना चाहिए इसलिए मैंने यहां से स्टार्ट किया और यहां तक ही मैं रोक दिया अपने आप को ओके तो आपके पास कितने केसेस हैं सर अगर आप ध्यान से देखोगे आपके पास तीन केसेस आए हैं आपके पास तीन केसेस आए हैं एक ये केस एक ये केस और एक ये केस तो यहां पे देखते हैं सेवन क्वेश्चंस में से तीन क्वेश्चन चूज करने के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कितने वेज हो सकते हैं? वेवन सी थ्री और यहां पे क्या है सर एंड आपको एट क्वेश्चन इन ऑल तो थ्री एंड फाइव मिला के एट होते हैं राइट पार्ट वन से मैं तीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा पार्ट टू से पांच क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा एंड जब आएगा बीच में तभी दोनों मिला के आठ क्वेश्चन हो गए राइट तभी दोनों मिला के आठ क्वेश्चन हो गए तो यहां पे एंड है इसलिए मुझे मल्टीप्लाई करना होगा मुझे क्या करना है पांच क्वेश्चन में से पांच क्वेश्चन चूज कर ले फाइव सी फाइव ओके अब दूसरा केस ले लेते हैं फोर 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 वाला और सेवन क्वेश्चन में से चार क्वेश्चन चूज कर दें सेवन क्वेश्चन में से चार क्वेश्चन सेलेक्ट या फिर चूज करने फाइव क्वेश्चन में से फोर क्वेश्चन चूज करने फाइव क्वेश्चन में से फोर क्वेश्चन चूज करने और अभी ये वाला केस सेवन में से पांच क्वेश्चन चूज करने सेवन सी फाइव एंड पांच में से तीन क्वेश्चन चूज करने फाइव सी थ्री तो जहां जहां आप इस अभी आप क्या कर सकते हो पता है जहां पे भी और है वहां पे प्लस लिख सकते हो मतलब ये टोटल कितने वेस है पता है आपके पास सेवन सी थ्री इंटू फाइव सी फाइव प्लस सेवन सी फोर इंटू फाइव सी फोर प्लस सेवन सी फाइव इंटू फाइव सी थ्री तो इतने नंबर ऑफ वेस पॉसिबल है आपको पूछा गया था राइट हाउ मेनी कैन स्टूडेंट सेलेक्ट इसे आप फर्दर दिम्पलीफाई कर सकते हो वो यूज करके फैक्टोरियल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल मेरे हिसाब से वो इतना बड़ा सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके आगे आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करोगे हर एक हर एक चीज के लिए राइट right? ओके okay. तो अभी मैं इरेज कर देता हूँ सब कुछ क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा भी होगा वो आप तीन क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो यहाँ पे पांच बाद में चार चार बाद में पांच तीन ठीक है ओके अभी हम अपने नए कॉन्सेप्ट जाते हैं जो प्रोबेबिलिटी में बहुत ही ज्यादा यूज होता है जैसे कि गेम ऑफ कार्ड्स क्या होता है सर गेम ऑफ कार्ड्स आपके पास इन टोटल 52 कार्ड्स होते हैं सर अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपके पास फोर रोज है और आपके पास थर्टीन कॉलम्स है ठीक है तो इन टोटल आपके पास कितने एलिमेंट्स हो गए सर फिफ्टी टू एलिमेंट्स हो गए तो इसलिए आपके पास फिफ्टी टू कार्ड्स है इसलिए आपके पास फिफ्टी टू कार्ड्स है इसमें से अगर आप देखोगे थर्टीन प्लस थर्टीन ट्वेंटी सिक्स रेड है थर्टीन प्लस थर्टीन ट्वेंटी सिक्स ब्लैक है ट्वेंटी सिक्स ब्लैक कार्ड है ट्वेंटी सिक्स रेड कार्ड है तो मैं आपको एक बार वापस बता देता हूं यहाँ पे ये पूरा रो और ये पूरा रो रेड कार्ड है और बाकी जो मैंने दो हाईलाइट नहीं किए वो ब्लैक कार्ड है ब्लैक कार्ड वाला रो है ओके okay. अभी मैं नाम दे देता हूं जैसे कि आ, ये रो जो है ये रो जो है और ये रो जो है और ये रो जो है हरेक रो एक सूट है उस उस टाइप के कार्ड्स को क्या बोला जाता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं हरेक सूट को क्या नाम दिया गया है जैसे कि हम देखते हैं अभी ऐसे टाइप के कार्ड्स को जहां पे हार्ट होता है वो तो हार्ट सूट में आते हैं ठीक है ठीके? और जो यहाँ पे ऐसा फ्लावर जैसा कुछ तो आपको दिख रहा है वो क्लब्स सूट नाम दिया गया है उसे वैसे ये डायमंड वाला शेप जैसा दिखता है इसलिए इस सूट का नाम डायमंड है और और नीचे वाले सूट का नाम स्पेड है तो मेरे हिसाब से थोड़ा आइडेंटिटी आपको समझ आ चुका है यहाँ पे आपको अ जुआ खेलने के लिए मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ पर हाँ आपको ये प्रोबेबिलिटी में बहुत बार यूज होते हैं कार्ड्स वाले क्वेश्चन तो ये आपको एक अच्छा अ विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि हर कार्ड का नाम क्या है उस टोटल कितने कार्ड्स हैं 26 ब्लैक कार्ड्स हैं 26 रेड कार्ड्स हैं हर एक सूट में 13 कार्ड्स हैं क्लब के भी 13 कार्ड्स हैं डायमंड के भी 13 कार्ड्स हैं स्पेड के भी 13 कार्ड्स हैं ठीक है अब देख सकते हो ए मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ओके अभी 52 कार्ड्स में से मतलब वो 52 कार्ड्स जो है उसमें से अगर आपको चार कार्ड्स चूज करने तो कितने पॉसिबल वेज हैं आपके पास 52 में से चार चूज करने 52 टू बहुत ही सिंपल है हमारे लिए क्योंकि हमने तो अब तक कॉम्बिनेशन अच्छे से सीखा है ओके चूज़ फोर कार्ड्स आउट ऑफ 52 कार्ड्स पहले जैसा ही बताया बस अभी और एक कंडीशन एड कर दिया ऑल द फोर कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट मतलब चारों कार्ड्स जो आप उठाओगे वो सेम सूट के होने चाहिए सर मतलब आपके पास टोटल कितने सूट्स थे सर एक बार अगर आप देखोगे आपके पास टोटल कितने सूट्स हैं फोर मतलब सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा इन चारों में से एक सूट उठाना पड़ेगा फिर आपको चार कार्ड्स उठाने समझ पा रहे हो राइट सबसे पहले आपको हार्ट वाला सूट उठाना पड़ेगा तो उसके लिए आप क्या करोगे इन चारों में से आपको हार्ट चूज करना है उसके बाद आप हार्ट में से चार कार्ड चूज करोगे तो उसे मैं कैसे लिख सकता हूं उसे मैं कैसे लिख सकता हूं मैं लिखूंगा चारों सूट में से मुझे एक सूट सबसे पहले चूज करना है उसके बाद मैं उन तेरा कार्ड्स में से चार कार्ड्स चूज करूंगा क्योंकि अगर आप चारों में से चारों सूट्स में से अगर एक सूट सेलेक्ट करते हो उस पर्टिकुलर सूट में तो तेरा ही कार्ड होते हैं राइट वैसे कि आपने हार्ट क्लब ठीक है इसके भी तेरह कार्ड्स हैं इसके भी तेरा कार्ड्स हैं इसके भी तेरह कार्ड्स हैं इसके भी तेरह कार्ड्स हैं तो चारों में से फॉर एग्जाम्पल आपने एक सूट सेलेक्ट कर लिया फॉर एग्जाम्पल आपने हार्ट सेलेक्ट कर लिया तो अभी हार्ट में तो तेरा कार्ड है ना तो तेरह में से अभी आप चार उठाओगे तो मेरे हिसाब से आपको सेंस बन रहा है जो मैं बातें बोल रहा हूं उससे ओके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज फोर कार्ड्स आउट ऑफ तो फिफ्टी टू कार्ड बस कंडीशन अभी अलग है ऑल फोर कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर वापस से देखते हैं आ, क्या था हमारा जैसे कि जो स्पेड है और जो आपका क्लब है आपका स्पेड एंड आपका क्लब ठीक है आपका स्पेड एंड आपका क्लब मेरा हैंडराइटिंग बहुत गंदा हो जाता है जब भी मैं ड्राइंग निकालता हूँ एक्चुअली मेरा ड्राइंग अच्छा है पर ये ग्राफिकल टैबलेट में निकालना मुश्किल है तो ये स्पेड एंड क्लब मिला के कितने कार्ड है सर ट्वेंटी सिक्स ब्लैक कार्ड है ही आपके पास रेड कार्ड्स कितने हैं सर आपके पास हार्ट वाले रेड कार्ड्स है डायमंड वाले रेड कार्ड्स हैं तो ये क्या है ये भी आपके पास ट्वेंटी सिक्स रेड कार्ड्स है तो आपको क्या बोला गया है ऑल फोर कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर मतलब आपके पास कलर वाले कितने कॉम्बिनेशन है सर आधर ये वाला कॉम्बिनेशन चूज करो या फिर ये वाला कॉम्बिनेशन चूज करो मतलब दो कॉम्बिनेशन में से सबसे पहले एक चूज करना होगा मुझे इधर ब्लैक कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना या फिर रेड कॉम्बिनेशन तो दो कॉम्बिनेशन में से सबसे पहले एक कॉम्बिनेशन में सेलेक्ट करूंगा उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्लैक सेलेक्ट कर लिया तो मेरे पास ट्वेंटी सिक्स ब्लैक कार्ड हो गए उसमें से मुझे चार अभी उठाने 26 ब्लैक कार्ड्स में से चार मुझे उठाने तो मेरे हिसाब से आपको चीजें क्लियर हो रही है आप बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर पा रहे हो मेरा लेक्चर ओके अभी हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ लेवन फ्रॉम सेवनटीन प्लेयर्स सत्रह लोग हैं आपके पास और उसमें से आपको सिर्फ ग्यारह चूज करने और इन सत्रह में ना पांच प्लेयर्स कैन बॉल फ्रॉम सेवनटीन प्लेयर्स इन विच ओनली फाइव प्लेयर्स कैन बॉल मतलब पांच प्लेयर्स को बॉलिंग करने आता है और बाकी बारह प्लेयर्स को बॉलिंग करने नहीं आता तो सबसे पहले ये नोट कर लेते हैं हमारे पास सत्रह लोग तो है और उसमें से सिर्फ पांच लोगों को बॉलिंग करने आता है बारह लोगों को बॉलिंग करने नहीं आता द रिक्वायरमेंट इज द क्रिकेट टीम ऑफ लेवन जो आप ग्यारह लोगों की टीम बनाना चाहते हो मस्ट है फोर बॉलर्स मतलब एक रिक्वायरमेंट दिया गया क्या रिक्वायरमेंट है सर लेवन मस्ट हैव है फोर से ज्यादा भी नहीं फोर से कम भी नहीं एग्जैक्टली फोर बॉलर्स आपको चाहिए हाउ मेनी वेज कैन द सिलेक्शन कैन बी डन ओके तो इसे थोड़ा देखते हैं आपको क्या करना है सर सबसे पहले पांच बॉलर में से चार बॉलर सबसे पहले मुझे चूज करने हैं राइट क्योंकि चार बॉलर्स तो होना चाहिए ऐसा कंडीशन दिया है राइट तो मैं इन पांच में से ही सेलेक्ट करूंगा क्योंकि ये बॉलर्स के इन्हें बॉलिंग आती है राइट ये वाले लोगों को बॉलिंग आती है इन पांच लोगों को बॉलिंग आती है तो इन पांच लोगों में से मैं चार सबसे पहले चूज कर लूंगा चार मैंने चूज कर लिए अभी आपके पास कितने बचे सर अभी आपके पास आपने चार चूज कर लिए सर आपको टोटल ग्यारह लोगों की टीम बनानी थी तो आपके पास कितने बच्चे अगर आप चार माइनस करोगे तो आपके पास अभी भी सेवन प्लेयर्स ढूंढना बाकी है तो वो कहां से ढूंढोगे सर क्योंकि पांच चार बॉलर्स तो हो गए ना तो अभी नॉन बॉलर्स चाहिए ये सात लोग जो चाहिए वो नॉन बॉलर्स चाहिए ये नॉन बॉलर्स चाहिए सर सात लोग तो मैं इनमें सेलेक्ट करूंगा ट्वेल्व सी सेवन ठीक है टूएल्व से सी सेवन इंटू फाइव सी फोर इसका आंसर है तो मेरे हिसाब से ये भी क्वेश्चन आपको समझने के लिए डिफिकल्टी नहीं होगा टूवेल्व लोगों में सेवन नॉन बॉलर्स में लूंगा पांच बॉलर्स में से मैं चार बॉलर्स ले लूंगा क्योंकि मुझे कंडीशन सेटिस्फाई करना था ग्यारह लोगों में चार बॉलर्स होना मस्ट है अगर आप सेवन प्लस फोर करोगे आपको ग्यारह लोगों की टीम मिल गई है ठीक है सेवन प्लस फोर इज इक्वल टू इलेवन मैं होप कर रहा हूं कि आपको चीजें क्लियर है एक बार वापस ये तो रिवाइज कर लेते हैं आपके पास सत्रह लोग थे तो उसमें से बारह लोगों को बॉलिंग नहीं आती पांच लोगों को बॉलिंग आती है पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था आपके ग्यारह लोगों के टीम में ग्यारह लोगों की टीम में चार बॉलर्स होना मस्ट है तो सबसे पहले मैंने बॉलर्स में से चार चून चूज कर लिए फाइव में से मैंने चार चूज कर लिए लोगों की टीम बनानी है मतलब सात लोग और चाहिए और बॉलर्स तो हो गए राइट तो इन बारह में से मैं अभी सात चूज करता हूँ ट्वेल्व सी सेवन ओके तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर है अभी तो हम इस लेक्चर के लास्ट पार्ट में आ चुके हैं ड्रॉइंग लाइंस इन अ सर्कल जैसे कि इस सर्कल पे कुछ पॉइंट्स है तो इन पॉइंट्स को यूज करके आप कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो जैसे कि मैं इन दो पॉइंट्स को यूज करके एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं अभी इस सर्कल में आप कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो इन दो पॉइंट्स को यूज करके यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकता हूं इन दो पॉइंट्स को यूज करके यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकता हूं इन दो पॉइंट्स को यूज करके यहां ड्राइंग लाइन ड्रॉ कर सकता हूं तो जब भी आपको लाइन ड्रॉ करना था आपको दो पॉइंट्स चूज करने पड़े सर दो पॉइंट्स चूज करने पड़े राइट right, पीटीएस मेरे हिसाब से आप समझ नहीं पाओगे तो यहाँ पे points लिखता हूं। आपको दो पॉइंट्स चूज कर देते तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आपके पास अगर एन पॉइंट्स है इन साइड सर्कल अगर आप उसमें उस से दो पॉइंट्स चूज करोगे उतने नंबर ऑफ लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं आपके पास कितने पॉइंट्स थे सर एन इक्वल टू टू पॉइंट्स थे अगर आप टू सी टू देखोगे ना जैसे कि इसका देखते आंसर क्या आता है टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल तो इसका आंसर आएगा सर वन इसलिए आप सिर्फ यहां पे वन लाइन ड्रॉ कर पाए इसलिए आप यहां पे सिर्फ वन लाइन ड्रॉ कर पाए ये वाले केस के लिए देखते हैं Uh, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है सर यहां पे थ्री पॉइंट है राइट वन टू थ्री और आपको दो पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं तो थ्री सी टू इज इक्वल टू थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय थ्री माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल ओके तो ये क्या आएगा थ्री इंटू टू डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू थ्री इसलिए आप थ्री लाइंस ड्रॉ कर पाए थे तो मेरे हिसाब से आ आपको ये फॉर्मूला याद करना चाहिए जब भी आपको एन पॉइंट्स दिए गए हो गए इनसाइड द सर्कल ठीक है ये पॉइंट्स इन अ सर्कल है तो आप कितने पॉसिबल लाइंस ड्रॉ कर सकते हो सर एन सी टू ये टू क्यों आ रहा है क्योंकि एक लाइन ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट की जरूरत होती है तो इतना ही था इस हमारे लेक्चर में सर और मेरे हिसाब से आपको कॉम्बिनेशन टॉपिक भी सेंस बन रहा है यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होता है सर सेलेक्ट या फिर चूज करना होता है हमारे लिए ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता याद रखना हमारे लिए ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है ओके थैंक यू